Assalamualaikum dear all, I hope everyone will be doing fine. Dear students and viewers, आज हम discuss करेंगे कश्मीर dispute को, जो कि एक hot topic रहता है. इसमें हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले थोड़ी background history देखें कश्मीर की, उसके बाद हम कश्मीर dispute को लेके जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार्स होती रही हैं या जो इंसिडेंट्स होते रहे हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. साथ साथ हम देखेंगे कि पाकिस्तान का क्या स्टांस है कश्मीर डिस्प्यूट को लेके, इंडिया का क्या स्टांस है और यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या इकदाम कर रही है इस इशू को लेकर. ठीक है, तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री. तो बैकग्राउंड हिस्ट्री इसकी ये है कि जब पार्टीशन हुई थी ब्रिटिश राज के दौरान सब कॉन्टीनेंट की, मतलब जब पाकिस्तान और इंडिया बना था 19 अगस्त 1947 में, तब कश्मीर की जो स्टेट थी ये वन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स थी सब कॉन्टीनेंट की. प्रिंसली स्टेट्स ऐसी स्टेट्स होती हैं जिसमें एक लोकल या रीजनल रूलर होता है और वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन अदर स्टेट या एक आप कह लें एक और अथॉरिटी होती है जिसके अंडर वो काम कर रहा होता है. लाइक अगर आप प्री पार्टीशन की बात करें तो जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी उसका जो लास्ट रूलर था वो महाराजा हरी सिंह था. महाराजा हरी सिंह जो के बेटा था राजा अमर सिंह जामवाल का, तो ये रूलर था स्टेट प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और ये काम करता था ब्रिटिश राज के अंडर. क्योंकि उस वक्त ये था कि जो स्टेट्स ऐसी थी तकरीबन ये 565 के करीब स्टेट्स थी, तो ब्रिटिश राज के लिए मुश्किल था इनको रूल आउट करना और वहाँ पे अपने वाइसरॉयज टाइप या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पे अपॉइंट करना फिर उसको रन करना. तो इसलिए इस तरह की जो स्टेट्स थी उनका जो रूलर होता था लोकल वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश राज काम करता था. तो जब ये पार्टीशन हुई तो उस वक्त काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जिसमें हैदराबाद दिक्कन थी, कश्मीर थी, इंदौर, सिक्किम, हिमालया जो के प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का जो एरिया था उसका 40% एरिया को पाई करती थी और आबादी का 23% पॉपुलेशन जो थी वाज कंप्राइज ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स. तो जब ये पार्टीशन हुई उस वक्त काफ़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स डिस्प्यूटेड स्टेट्स करार पाई, लेकिन उनको जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान में कि उनको राय दी, उनको पूछा गया था, उनसे उनका कंसेंट लिया गया था कि आप लोगों के पास चॉइस है या तो आप पाकिस्तान के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ इलाक करें या फिर आप इंडिया के साथ इलाक कर लें खुद को, या अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट रहें. तो जो बाकी स्टेट्स थी लाइक हैदराबाद दक्कन वगैरह जूनागढ़ वगैरह हो गया वहाँ पर तो चले इंडिया ने फोर्सली जैसे भी स्टेट्स लेनी थी वो ले ली, लेकिन कश्मीर लास्ट रिबेलियस स्टेट रही है जो कि अभी तक भी डिस्प्यूटेड है. इसकी क्या वजूहत थी कि ये डिस्प्यूटेड स्टेट क्यों बनी, तो अभी हम इस बात पर शुरू करते हैं अपना लेक्चर. तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि महाराजा हरी सिंह वाज लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट थी, तो इनको चॉइस दी गई, इनसे इनका कंसेंट मांगा गया कि आप बताएं कि आपने किस स्टेट के साथ अपने आप को इलाहा करना है, इधर पाकिस्तान और इंडिया. और जो वाइस राय थे उस टाइम के माउंटबेटन, उन्होंने इन्हें बहुत कम टाइम दिया था क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया था और 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने बनना था, तो इसलिए इन्हें टाइम कम दिया गया था. लेकिन महाराजा हरी सिंह का ये स्टांस था कि मुझे थोड़ा टाइम दें क्योंकि उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर में जो आबादी का 77% हिस्सा था वो मुस्लिम मेजॉरिटी थी. तो उसने कहा कि आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं अपने लोगों से थोड़ा कंसल्ट करूंगा, उनका कंसेंट लूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को एक डिसीजन दूंगा.
लेकिन उसे टाइम कम दिया गया था। सबसे पहली बात तो ये थी कि जो महाराजा हरी सिंह थे उन्हें टाइम बहुत कम दिया गया था। देन क्या हुआ, जो पर्सनल स्टांस था महाराजा का वो ये था कि मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं हम ना तो पाकिस्तान के साथ इलाक होना चाहते हैं और ना ही हम इंडिया के साथ खुद को इलाक करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह अगर हम किसी एक कंट्री के साथ जाएंगे तो ये डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए उसने एक सजेस्ट किया था एग्रीमेंट, जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। तो महाराजा हरी सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो सजेस्ट किया और उसने कहा कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। अब इस बात पे पाकिस्तान ने कंसेंट दे दिया लेकिन इंडिया ने नहीं दिया। इसी वजह से ये जो मैंने अभी बात बताई है ये फर्स्ट पॉइंट था जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। इसी इंडिया के इनकार की वजह से कश्मीर जो थी, आप कह लें कि ये फर्स्ट स्टेप था कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेट बनने में। तो इस स्लाइड में यही बात लिखी हुई है, कश्मीर द लास्ट ऑफ रिबेलियस स्टेट्स, इट हैड अ हिंदू रूलर महाराजा हरी सिंह, बट हिज सब्जेक्ट वर मोस्टली मुस्लिम, अकाउंटिंग टू 77% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। द महाराजा वॉज रिलक्टेंट टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान, बट लॉर्ड माउंट बैटन अर्ज्ड हिम टू टेक अ डिसीजन टू ज्वाइन ईदर ऑफ द स्टेट्स बिफोर अगस्त 15, 1947। द महाराजा आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू कंसीडर हिज डिसीजन। इन द मीन टाइम ही आस्क्ड द इंडियन एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू साइन अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद हिम, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है। पाकिस्तान ने कंसेंट दिया था लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था। अब थोड़ा महाराजा हरी सिंह के बारे में भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ताकि कश्मीर की इस पार्टीशन से पहले की हिस्ट्री आप लोगों को थोड़ी सी पता चल जाए। महाराजा हरी सिंह के, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि वाज सन ऑफ राजा अमर सिंह जामवाल, जो के भाई थे राजा प्रताप सिंह के। ये एक डोगरा फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, डोगरा डायनासिटी थी, और ये डोगराज आजकल भी पाकिस्तान और इंडिया में आप लोगों को मिलते हैं और इनकी लैंग्वेज डोगरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो डोगरा डायनासिटी से ये बिलोंग करते थे। डोगरा डायनासिटी किसने बनाई थी? डोगरा डायनासिटी सबसे पहले बनाई थी गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह ने कैसे डोगरा डायनासिटी बनाई थी कि इन अर्ली 80s, या आप कह लें मिड 80s, 1840s की अगर आप बात करें, तो तब क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश रूल जो था वो एंटर हो चुका था सब कॉन्टिनेंट में। तो एक वार हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वार, जो कि ब्रिटिश राज और सिखों के बीच में हुई थी, 1840s की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जंग जो थी ये बहुत तूल ले गई थी, मतलब इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अल्टीमेटली एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 कहते हैं। इस फर्स्ट एंग्लो सिख वार का आप कह लें वो रिज़ल्ट था कि एंड पे एक पीस ट्रीटी साइन हुआ था। उसमें क्या था, जो ब्रिटिश राज था उन्होंने ऑफ़र की थी गुलाब सिंह को, जो कि फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी थे, उनको ऑफ़र की थी कि हम आपको इसका रूलर बना देते हैं, ये जो एरिया है ना कश्मीर का, इसका हम आपको रूलर बना देते हैं, लेकिन हम आपको थोड़े पैसे देते हैं, आप ये हमारे अंडर रहने दें। तो वही चीज़ है कि आप इसे प्रिंसली स्टेट कंसीडर कर लें, आप उसके लोकल या फिर रीजनल रूलर रहेंगे ही लेकिन आप फिर हमारे अंडर काम करेंगे। और उन्होंने कोई 7.5 लाख के करीब ऑफ़र की थी, गुलाब सिंह ने मान लिया। तो इस तरह ये एक ट्रीटी हुआ था अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1846, गुलाब सिंह के बीच में और जो ब्रिटिश राज के कमांडर थे उनके बीच में। ये लॉर्ड हार्डिंज थे जिन्होंने मतलब ये एग्रीमेंट करवाया था। तो इस तरह गुलाब सिंह ने क्या किया, कश्मीर को 7.5 लाख रुपए में बेच दिया था ब्रिटिश राज को, और इस तरह ये एक प्रिंसली स्टेट बन गई थी। और ये वाली प्रिंसली स्टेट फिर जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त ये डिस्प्यूटेड स्टेट करार पाई थी, जिसका हमने अभी तक एक फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है। फिर क्या हुआ, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारी पहली जंग शुरू हो गई, वो इसी बात पे कि महाराजा हरी सिंह ने टाइम मांगा था और फिर उसने सजेस्ट किया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट,
इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था। इस पूरे स्नैरियो का जो रिज़ल्ट निकला था वो ये था कि जो लोकल कम्युनिटी थी कश्मीर के अंदर जो रह रही थी, अब क्योंकि वो मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, तो वहाँ के मुस्लिम्स ने एहतजाज करना शुरू कर दिया अगेंस्ट महाराजा। जब महाराजा को ये बात पता चली या उसे जब फील हुआ कि लोग तो बड़ी उन्होंने तहरीकें शुरू कर दी हैं, वो तो मेरे अगेंस्ट आ रही हैं, वो पैनिक कर गया। तो उसने जल्दी में क्या किया, जो हिंदूज पैराट्रूपर्स थे या एयरबॉर्न यूनिट्स थे, उन्हें ऑर्डर कर दिया कि आप फायर कर दें। तो व्हेन दे ओपन्ड फायर तो तकरीबन सेवरल हंड्रेड मुस्लिम्स वर किल्ड। तो काफ़ी सारे मुसलमानों को इस जल्दबाजी के डिसीजन में उन्होंने शहीद कर दिया। अब ये सिचुएशन जो क्रिएट हो गई थी, इस सिचुएशन को देखते हुए कि एक तरफ महाराजा हरि सिंह ने हिंदूज़ को इजाज़त दी कि आप मुसलमानों के ऊपर हमला बोल दें, तो जो लोकल कम्युनिटी थी वो भी चुप नहीं बैठती। तो जो लोकल कम्युनिटी के एक बैरिस्टर थे सरदार मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने क्या किया, जो कश्मीर था वहाँ पे अपनी एक गवर्नमेंट बनाई और फिर लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि अब हम महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट फुल तरीके से जंग लड़ेंगे। तो ये एक टर्म यूज़ होती है, गुरीला वार। ठीक है, गुरीला वार में ये होता है कि एक छोटी आर्मी होती है जो कि इरेगुलर सी होती है, वो एक रेगुलर और बड़ी आर्मी के साथ जंग शुरू कर देती है। जैसे कि इस तरह की अगर आप सिचुएशन को देखें तो सरदार मोहम्मद इब्राहिम की जो आप कह लें कि आर्मी थी वो एक छोटी इरेगुलर आर्मी थी, अनआर्म्ड थी, उनके पास ना तो ज़्यादा असला था और ना ही उनके पास कोई ट्रेंड बंदे थे, लेकिन उन्होंने जो इंडियन पैराट्रूपर्स थे या एयरबॉर्न यूनिट्स थे उस वो के काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी आर्म फोर्स थी और थे भी सारे रेगुलर और ट्रेंड थे। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला जो जंग थी ये गुरीला टाइप ऑफ वार थी। तो उन्होंने क्या किया, गुरीला वारफेयर शुरू कर दी थी अगेंस्ट महाराजा हरि सिंह। देन जो लोकल कम्युनिटी थी उसमें हमारा जो पठान ट्राइब्समैन थे ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था इतने सारे मुस्लिम्स का जो मैस एकड़ कर दिया था महाराजा हरि सिंह ने हिंदूज़ को यूज़ करते हुए। तो उन्होंने ये गुरीला वारफेयर शुरू की और अल्टीमेटली जो महाराजा हरि सिंह की आर्मी थी उसको डिफीट दी और कैपिटल ऑफ कश्मीर श्रीनगर तक वो पहुंच गए थे। तो इस पूरे स्लाइड में ये चीज़ लिखी हुई है कि द लोकल पॉपुलेशन बिगेन टू प्रेस द महाराजा टू एक्सीड टू पाकिस्तान इन अगस्त 1947 दे हेल्ड अ मैसिव डेमोंस्ट्रेशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द महाराजा इनडिसिसिवनेस। द महाराजा पैनिक्ड, ही आस्क्ड हिज हिंदू पैराट्रूपर्स या एयरबॉर्न यूनिट्स to open fire and within a matter of seconds several hundred Muslims were martyred. Rising up against this brutal action, a local barrister called Sardar Muhammad Ibrahim immediately set up the Azad Kashmir government and began to wage guerrilla warfare against the Maharaja. By October 1947, the War of Kashmir had begun in earnest. The Pathan tribesmen from the northwest frontier province wanting to avenge the deaths of their brothers invaded the valley. On reaching the valley of Kashmir they defeated the Maharaja's troops and reached the gates of Srinagar the capital. तो अभी तक ये सीन चला आ रहा है। देन क्या किया, महाराजा हरि सिंह को जब फील हो गया था कि जो पठान ट्राइब्समैन है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके आ रहे हैं, उन्होंने मेरी आर्मी को भी डिफीट दे दी है और वो कैपिटल ऑफ कश्मीर श्रीनगर तक वो पहुंच गए, तो उसने अल्टीमेटली क्या किया, उसने इंडिया को कहा कि मैं आपके साथ इलाक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यही सबसे पहली वजह थी कि जब महाराजा हरि सिंह ने ये वाला डिसीजन लिया कि मैं इंडिया के साथ इलाक करना, क्योंकि रूलर तो वही था इस प्रिंसली स्टेट का। तो ऑन अगस्त 26, 1947 महाराजा हरि सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जॉइनिंग द होल ऑफ हिज प्रिंसली स्टेट विद इंडिया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू के इसने अपनी जो
कंसेंट दी थी वो इंडिया को दे दी थी। देन क्या हुआ, अब श्रीनगर में ये वाली सिचुएशन बनी हुई थी कि एक तरफ पठान ट्राइब्समैन थे और दूसरी तरफ इंडिया को इलाक कर दिया था हरी सिंह ने, तो एक बहुत ही गंभीर आप कह लें सूरत हाल बन गई थी। अब इस सूरत हाल में जैसा कि हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान में अर्ली प्रॉब्लम्स पड़ी थी, तो पाकिस्तान के पास क्योंकि स्टार्ट में इतनी ज़्यादा कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी नहीं थी और ना ही हमारे पास इतना नंबर था कि हम इनको डिफीट कर सकते या इनके साथ हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके जंग शुरू कर देते, तो उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने सीज़ फायर का जो है डिसीजन लिया। सीज़ फायर का डिसीजन इसलिए लिया कि उनका स्टांस ये था कि फ़िलहाल के लिए इस मसले को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, ताकि जो लोग हैं उस प्रिंसली स्टेट के उनके साथ ज़्यादा और जुल्म ना हो। तो इस सीज़ फायर की वजह ये थी और उन्होंने फिर डिमांड की थी कि हम बाद में एक फ्री एंड फेयर रेफरेंडम कराएंगे ताकि हम जो लोग हैं उस प्रिंसली स्टेट के उनसे भी उनकी राय लें और वो खुद वोट करेंगे आया कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक होना चाहते हैं या इंडिया के साथ। तो इस तरह ये जो एक तनाज़ा क्रिएट हुआ था वो सीज़ फायर की बेस पर वहाँ पे ख़त्म हो गया था और डिमांड पाकिस्तान ने ये की थी कि हम बाद में एक फ्री एंड फेयर रेफरेंडम कराएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, द महाराजा सेंट सिंह इज़ डिफीट टुक रिफ्यूज इन जम्मू वेंस ही अपील्ड टू इंडिया टू सेंड ट्रूप्स टू हाल्ट द ऑनस्लॉट ऑफ ट्राइब्स मैन। इंडिया एग्रीड ऑन द कंडीशन डेट कश्मीर वुड एक्सीड टू इंडिया। ऑन अक्टूबर 26, 1947 द महाराजा एक्सीडेड टू इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन एक्सेप्टेड द एक्सेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। ऑन अक्टूबर 26, 1947 इंडिया बिगेन टू एयरलिफ्ट हर ट्रूप्स टू श्रीनगर एंड लॉन्च्ड अ फुल स्केल अटैक ऑन द ट्राइब्स मैन। पाकिस्तान वॉज स्टंट डिस्पाइट हर स्कॉन्ट मिलिट्री फोर्सेस। स्कंटी कहते होते हैं थोड़ी तादाद में, लो क्वान्टिटी में। पाकिस्तान वॉज प्रिपेयर टू सेंड इन हर ट्रूप्स बट द ब्रिटिश जनरल ग्रेसी कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान वॉज अगेंस्ट इट। जिना प्रपोज एन इमीजिएट सीज फायर लेटर ऑन फेयर एंड फ्री रेफरेंडम इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मैप है जम्मू एंड कश्मीर का और जो आज़ाद कश्मीर है ये पाकिस्तान है इस साइड पे, ये इंडिया है इस साइड पे, चाइना है और भी काफ़ी सारी आप कह लें स्टेट्स ऐसी थी जो कुछ चाइना ने ऑक्यूपाई कर ली थी। और ये वाला जो पाकिस्तानी एडमिनिस्टर्ड कश्मीर है ये पाकिस्तान में आता है और जो इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर है वो यहाँ पे है और इसके बीच में जो बॉर्डर है ये वाला, इसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते होते हैं। तो ये वाला जो एरिया है सारा जिसमें श्रीनगर कैपिटल है, यहाँ पे जम्मू है और ये ओवरऑल, और ये जो एरिया है लद्दाख ये अब ऑक्यूपाई कर लिया है चाइना ने। तो ये पूरी स्टेट जो है अभी तक इस मैप में जो हमें नज़र आ रही है ये डिस्प्यूटेड है। देन जब जिन्ना ने सीज़ फायर का ऐलान किया और ये फैसला लिया था कि हम बाद में रेफरेंडम कराएंगे, तो 1948 में इंडिया ने बजाते खुद जो सिक्योरिटी काउंसिल थी यूनाइटेड नेशंस की वहाँ पे इशू रेज़ किया कि पाकिस्तान अग्रेसिवली जो ट्राइब्स मैन है उनको यूज़ कर रहा है कश्मीर में, तो पाकिस्तान को कहें कि वो अपने ट्राइब्स मैन को वहाँ से हटा ले क्योंकि हरी सिंह जो उस वक्त का रूलर था उसने हमारे साथ इलाक कर दी है स्टेट को, तो ये हमारी स्टेट है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये स्टांस था कि लोगों की राय के अगेंस्ट गए हैं ये लोग और हरी सिंह ने क्या किया है अपने पर्सनल डिसीजन की बेस पे या इंडियन प्रेशर में आके उसने ये फैसला किया है जो कि वहाँ की आवाम को मंजूर नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ़ द पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू डैट स्टेट इज़ मुस्लिम, लिहाजा हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। खैर फिर यूनाइटेड नेशन ने भी अल्टीमेटली यही कहा कि आप लोग आपस में थोड़ा निगोशिएट करें, निगोशिएशन के बाद एक प्लेबिसाइट कराएं और प्लेबिसाइट की बेस पे जो है आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी अपनी राय क्या है। तो इस स्लाइड में यही लिखा हुआ है कि इन जनवरी 1948 इंडियन टुक द डिस्प्यूट टू द सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि हु टुक द डिस्प्यूट टू सिक्योरिटी काउंसिल फर्स्ट टाइम, तो इंडिया बजाते खुद ही ले गया था। दे आर इट एक्यूज पाकिस्तान ऑफ अग्रेशन एंड डिमांडेड डेट पाकिस्तान विदड्रॉ हर
ट्राइब्समैन, बट पाकिस्तान हेल्ड दैट द एग्रीमेंट ऑफ कश्मीर हैड बीन ब्रॉट अबाउट बाई फोर्स. द गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड द सिक्योरिटी काउंसिल टू अरेंज अ सीज फायर एंड आस्क्ड बोथ द ट्राइब्समैन एंड द इंडियन ट्रूप्स टू विदड्रॉ सो दैट अ फ्री इम्पार्शियल प्लेबिसाइट कुड बी हेल्ड टू मेक सर्टेन द विशेज ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर. तो प्लेबिसाइट, रेफरेंडम और यूनिवर्सल वोट ये एक ही चीज़ है. देन नेक्स्ट एग्रीमेंट जो हुआ 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जंग हुई और इन चाइना ने अकोपाई कर लिया लद्दाख को. उसके बाद 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की दूसरी जंग छिड़ी. पहली जो 1947 वाली थी वो तो सीज़ फायर और यूनाइटेड नेशन की मुदाखलत के बाद वो ख़त्म हो गई थी. लेकिन दूसरी जंग जो हमारी इंडिया के साथ शुरू हुई वो अयूब खान के दौर में शुरू हुई 1965 में. तब हमारा अलाइंस जो था वो अमेरिका के साथ था. लेकिन जब ये जंग शुरू हुई तो अमेरिका पर दोनों तरफ से प्रेशर आ गया था. इंडिया ये कह रहा था कि आप पाकिस्तान को एड दे रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं तो आप विदड्रॉ कर लें. तो इंडिया ने भी उस टाइम विदड्रॉ कर लिया था. तो ये जो दूसरी जंग थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये भी फिर दोबारा यूनाइटेड नेशंस के मुदाखलत के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था. ताशकंद के मुकाम पर जो कि उस टाइम यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का हिस्सा था लेकिन आजकल ये उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है. तो 1966 में अयूब खान जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और लाल बहादुर शास्त्री जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उन दोनों के बीच में ताशकंद के मकाम पर ये मुआहदा तय पाया था. और इसके बाद डिप्लोमेटिकली दोबारा जो हमारे आपस में ताल्लुकात थे वो स्टार्ट हो गए थे और इस इश्यू को दोबारा यूनाइटेड नेशन की मुदाखलत के बाद सीज़ फायर की बेस पे विड्रॉ कर दिया गया था. देन नेक्स्ट जो इवेंट हुआ जब पार्टी 1971 के इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस. उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग का जो लीडर था मुजीबुर रहमान उसने तहरीक शुरू की. अल्टीमेटली उसने कलकत्ता में जाकर रिहाइश ली इंडियन आर्मी से. फिर इंडियन आर्मी को यूज़ करते हुए उन्होंने रेफरेंडम वहाँ पे कराया बांग्लादेश में और अल्टीमेटली बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान उनसे अलग हो गया था. अब इस इवेंट को देखते हुए दोबारा इंडियन आर्मी को थोड़ा फील हुआ कि चलें अब पाकिस्तान में थोड़ा इंतशार फैल गया तो हम दोबारा कश्मीर की तरफ आते हैं. तो उन्होंने दोबारा मुदाखलत करने की कोशिश की थी लेकिन फिर दोबारा पाकिस्तान ने इसको रिटेलिएट किया और दोबारा ये मसला जो कुछ देर के लिए चलता रहा वो फिर अल्टीमेटली जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और जवाहरलाल नेहरू जो के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उस टाइम के उनके बीच में शिमला के मकाम पर एक एग्रीमेंट हो गया था और दोबारा ये जो मसला था ये निगोशिएट हो गया था. तो इस स्लाइड में ये चीज़ लिखी हुई है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान साइन अ पीस अकॉर्डिंग 1972 नोन एज शिमला और शिमला एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू विच बोथ साइड एग्री टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मींस थ्रू bilateral negotiation or by any other peaceful means mutually agreed upon them. Both countries agree that they will not unilaterally try to alter the line of control in Kashmir. मतलब कोई एक अपनी मर्जी से या unilaterally line of control अबूर करने की कोशिश नहीं करेगा. तो ये एक agreement, सिमला agreement तय पाया था और ये वही agreement है जिसकी बेस पे आजकल भी अगर line of control cross करते हैं Indian जो एयरक्राफ्ट्स हैं तो उनको पाकिस्तान को फिर ये राइट होता है कि उनके उन एयरक्राफ्ट्स को गिरा दिया जाए. फिर आगे जब हम पुलवामा अटैक वाला पॉइंट पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आप लोगों को. इन 1999 इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेवल्स टू लाहौर पाकिस्तान फॉर अ पीस मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ. देयर इज़ अ ग्रेट होप फॉर पीस. थ्री मंथ्स लेटर पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट इन्वेड द कारगिल एरिया इन इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर विद द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री. तो उस टाइम के जो आप कह लें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे
परवेज़ मुशर्रफ़ उन्होंने क्या किया, 1999 में कारगिल के मकाम पर दोबारा शुरू कर दी इन्वेजन, मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन, दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने आई गई थी। तब ये था कि नवाज शरीफ दौरे पे गए हुए थे अमेरिका के, और जो प्रेसिडेंट क्लिंटन थे उन्होंने कहा था कि आप आपस में निगोशिएशन कर लें, तो उस दौरे की वजह से फिर जो कन्फ्रंटेशन थी वो एंड हो गई थी। उसके बाद जो मुशर्रफ थे, जो कि आर्किटेक्ट ऑफ कारगिल वार था, उसने डीथ्रोन कर दिया था नवाज शरीफ को, और फिर खुद पीसीओ करा के प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की बेस पे खुद की एक गवर्नमेंट बनाई और खुद हुकूमत में आ गया था। तो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, इन 1999 इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेवल्स टू लाहौर पाकिस्तान फॉर ए पीस मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, देयर इज़ अ ग्रेट होप फॉर पीस। थ्री मंथ्स लेटर पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स इन्वेड द कारगिल एरिया इन द इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर विद द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री, अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वार एंश्योर्स। नवाज शरीफ ट्रेवल्स टू वाशिंगटन एंड प्रेजिडेंट क्लिंटन convinces him to withdraw Pakistani forces from the Kargil confrontation, and Nawaz Sharif is overthrown in a military coup led by General Pervez Musharraf, one of the architects of Kargil war. Musharraf proclaims himself president of Pakistan in the year 2000. तो ये अभी हम वो वाले सारे तरतीब में तनाजात पढ़ रहे हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर डिस्प्यूट को लेके हुए थे, और फिर वो सॉल्व कैसे हुए वो हम देखते जा रहे हैं। देन इफेक्ट ऑफ 9/11 ऑन कश्मीर। 9/11 का तो वाकया आप पता होगा आप सबको कि जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे वाकया हुआ था, इसकी मेरी एक वीडियो भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, वो आप देखेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का आप लोगों को ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा जो 9/11 का वाकया हुआ था उसका। तो जब 9/11 का वाकया हुआ उसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो अपना ऑपरेशन शुरू किया था, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से आप कह लें मदद ली थी। इफ़ द वर्ल्ड एंड द यूनाइटेड स्टेट चेंज आफ्टर सितंबर 11 द सेंटर ऑफ द दैट चेंज इन रीजन वर पाकिस्तान इज़ लोकेटेड व्हेन इट केम टू बिगिन द वार अगेंस्ट टेररिज्म पाकिस्तान डिज नॉट हेजिटेट टू डू वट एवर इट टेक्स टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो सही बात है, जब भी टेररिज्म की बात आती है तो पाकिस्तान हमेशा इसके अगेंस्ट काम करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तान विच डिड नॉट प्लीज इंडिया। सो इंडिया ब्लेम पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स फॉर दिसंबर 13, 2001 अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। तो 9/11 के बाद क्योंकि अब अमेरिका ने मदद लेना शुरू कर दी थी पाकिस्तान की, तो उसी दौरान इंडिया में इंडिया की पार्लियामेंट पे दिसंबर 13, 2001 में अटैक हुआ था, ठीक है। तो इंडिया ने क्लेम किया था कि ये पाकिस्तान ने कराया है, ये शो करने के लिए कि इन पाकिस्तान का इमेज जो बाहर की कंट्रीज़ हैं और इवन अमेरिका, वहाँ तक ये जाए कि पाकिस्तान ही इस पूरी टेररिज्म के पीछे है। हालाँकि पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को डायलॉग बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसा कि अभी भी अमेरिका और तालिबान के बीच में जो मुआहदा तय पा रहा है उसमें सबसे मेन जो फैक्टर है वो पाकिस्तान है। देन जब ये स्टेटमेंट आई तो उसके बाद मुशर्रफ ने स्पीच की थी जनवरी 12, 2002 में, ठीक है, इन रिप्लाई टू इंडियन ब्लेम। और ख़ुद जो इंडिया का उस वक्त का मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर लाल कृष्णा अडवाणी, उसने इसे पाथ ब्रेकिंग कहा था। पाथ ब्रेकिंग मतलब काफ़ी इनोवेटिव होती है अगर कोई चीज़, या आप कह लें ओरिजिनल या यूनिक होती है। तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि ये काफ़ी इनोवेटिव थी, पाथ ब्रेकिंग थी। देन डायलॉग प्रोसेस शुरू हो गया। डायलॉग प्रोसेस मतलब जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर एक तंजीम बनी, ठीक है, वो हम अभी वन बाय वन देखते हैं। फिर उस तंजीम की बेस पे इस इशू को यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके फोरम पर रेज किया जाता है। द
पाकिस्तान ऑलवेज शोड सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी टूवर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द कोर इशू ऑफ कश्मीर बाय अडॉप्टिंग सेवरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBMs. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आर प्लान्ड प्रोसीजर्स टू रिड्यूस मिलिट्री टेंशंस एंड बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन कंट्रीज. तो ये इसकी डेफिनेशन है CBM की. CBMs are planned procedures to reduce military tensions and build mutual trust between the countries. तो पाकिस्तान ने हमेशा टेबल टॉक करने की कोशिश की है. हमेशा पाकिस्तान का यही स्टांस रहा है कि आप आए बैठें, इस मसले को सॉल्व करते हैं, ठीक है, बजाय ये कि हम न्यूक्लियर वार शुरू कर दें और उसमें काफ़ी जानी और माली नुकसान हो दोनों कंट्रीज़ का. तो हम टेबल टॉक करते हैं, हम बैठते हैं, इसका कोई सलूशन निकालते हैं. तो इस इवन हम तो इस भी हक में है कि वहाँ पे रेफरेंडम करा दिया जाए ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी राय खुद दें, लेकिन इंडिया हमेशा इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है. इंडिया नेवर हेजिटेटेड फ्रॉम लीविंग बेसलेस एलिगेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, आल्सो डिड नॉट स्टॉप मैसिव ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर. तो वही बात है कि इंडिया हमेशा इंडिया अपने मुल्क के अंदर ही हमले करवा के फिर उसका ब्लेम पाकिस्तान को दे देता है और कोशिश करता है कि पाकिस्तान का इमेज कश्मीर को लेके बाहर बुरा जाए और साथ ही कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है. द नीड इज़ टू इनिशिएट विगोरस एफर्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स इन रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू. नो डाउट जब तक दोनों साइड्स आराम से बैठ के इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगी तब तक ये डिस्प्यूट बरकरार रहेगा. द बेसिक इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज इज कश्मीर इशू एंड विद इट्स रेजोल्यूशन ऑल अदर आउटस्टैंडिंग इशूज वुड बी सेटल्ड वेरी इजली. तो जाहिर सी बात है अगर ये कश्मीर वाला मसला सॉल्व हो जाता है तो क्योंकि हम दोनों कंट्रीज कल्चरली और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ व्यूज से एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं सिवाय रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और जो बाकी टू नेशंस थ्योरी है उसके अलावा, तो हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी सेंट्रल एशिया की बन सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर मीर जफरुल्ला खान जमाली सेड डेट पाकिस्तान डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन एंड विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कश्मीरीज. तो उस टाइम मुशर्रफ के दौर में जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मरहूम जफरुल्ला खान जमाली साहब, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि यूनाइटेड नेशंस का फोरम मौजूद है, वो इस मसले को सॉल्व करना चाहता है और उनका भी यही स्टांस है कि आप रेफरेंडम कराएं जो कि फ्री और फेयर हो और वहाँ के लोगों से राय ली जाए कि आप लोगों ने किसके साथ जाना है. हेयर 2005 रोड टू पीस. अब हम उस तंजीम के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं जिसका मैंने आप लोगों को जिक्र किया है पिछले टॉपिक में. तो ये है ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस APHC, या इसे तहरीक हुरियत भी कहते होते हैं. ये बनी थी मार्च 1993 में और तकरीबन ये 26 पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, पॉलिटिकल भी और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी बेस पर ये बनी थी और इनकी जो आइडियोलॉजी थी, अकॉर्डिंग टू इट जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड इंडियाज कंट्रोल ऑफ इट इज़ नॉट जस्टिफाइड. इट सपोर्ट्स द पाकिस्तानी क्लेम दैट कश्मीर इज़ द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन एंड नीड टू बी सॉल्व एज पर द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो ये इसकी आइडियोलॉजी है कि कश्मीर के लोगों को हक खुद मुख्तारियत हासिल है, ठीक है, एज बीइंग ह्यूमन बीइंग्स उनको ये हक है कि वो खुद डिसाइड करें कि हम किस स्टेट के साथ इलाहक होना चाहते हैं और यही स्टांस पाकिस्तान का भी है. तो आप कह सकते हैं कि जो तहरीक हुरियत है या APHC है, ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस, उनकी भी यही आइडियोलॉजी है जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है. तो वही हुआ कि 2005 में जो तहरीक हुरियत थी उन्होंने विज़िट किया फ्रॉम ऑक्यूपाइड कश्मीर टू
आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे फिर ये चीज़ डिसाइड हुई कि हम वही चीज़ चाहते हैं जो पाकिस्तान कहता है। ठीक है, पाकिस्तान भी यही कहता है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। तो इस पूरी स्लाइड में ये चीज़ लिखी हुई है। द प्राइम मिनिस्टर कौन? जफरुल्ला खान जमाली सेड डैट देयर वर मैनी डिफिकल्टीज ऑन रोड टू पीस बट एम्फेसाइज द नीड टू टेक मेजर्स टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फाइंड न्यू एवेन्यूज फॉर अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ लिंचरिंग कश्मीर डिस्प्यूट। लिंचरिंग कह देते हैं कोई ऐसी चीज़ जो सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले। द फर्स्ट फॉर्मल विजिट ऑफ ए फैक्शन ऑफ सेपरेटिस्ट ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस, फैक्शन कहते थे ग्रुप को, और सेपरेटिस्ट वो होते हैं जो सेपरेटिज्म ऑफ कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, या कोई भी ऐसे लोग जो किसी मुल्क को या किसी एक स्टेट को दूसरी स्टेट से अलग या सेपरेट, इस टर्म को हम सेपरेटिज्म कहते हैं, उसे जो मानते होते हैं वो सेपरेटिस्ट होते हैं। देन ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस एंड द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड सब्सिक्वेंटली दो अनसेंक्शन्ड बाय इंडियन अथॉरिटीज टू पाकिस्तान बिटवीन जून 2 to 16, 2005 वाज दस प्रोजेक्टेड एज अ मेजर इवेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कश्मीर इशू। इंडीड द विजिट स्ट्रांगली रिटेटेड द फैक्ट दैट APHC कंटिन्यूज टू बी अ फेथफुल पाकिस्तान प्रॉक्सी आफ्टर दिस मीटिंग विद द प्रेजिडेंट मुशरफ। मीरवेज उमर फारूक डिक्लेयर डैट वी वॉन्ट कश्मीर टू बी डिवाइडेड ऑन जियोग्राफिकल ग्राउंड, वी डोंट वॉन्ट कश्मीर टू लूज इट्स आइडेंटिटी, वी सपोर्ट इट्स अप्रोच। तो वो यही कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि प्लेबिसाइट हो, हम अपनी जियोग्राफिकली डिवीजन चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारी अपनी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाए। मतलब उनका ये था कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं। विद प्रेजिडेंट मुशरफ द APHC लीडर्स वंस अगेन वर अश्योर्ड फुल पोलिटिकल डिप्लोमेटिक एंड मोरल सपोर्ट। दिस टूर हैज़ बीन हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द व्यू पॉइंट ऑफ द कश्मीरी लीडर्स। अब ये जो मीटिंग हुई थी, इसका जो एम था वो यही था कि जो कश्मीर के लीडर्स हैं या वहाँ के जो फैक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ इलाक हो जाएं, और कुछ हैं जो के चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट बने, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि हम इंडिया के साथ इलाक हों। दे आर क्वेस्ट फॉर ए फ्री हैंड टू डिसाइड दे आर फ्यूचर इज वैलिड। दे हैव बीन लिविंग अंडर द ब्रूटल इंडियन ऑक्यूपेशन सिंस 1948 डिस्पाइट प्रॉमिस जस्टिस बाय द यूनाइटेड नेशंस 57 ईयर्स अगो। ये अब चेंज हो जाएगा। दे हैव बीन डिनाइड देयर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट वॉज इन फैक्ट द डैनियल ऑफ जस्टिस। डैनियल कहते हैं टू डिनाई समथिंग, एंड अनअबेटेड, अनअबेटेड कहते हैं विदाउट एनी रिडक्शन इन इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ, एंड अनअबेटेड इंडियन स्टेट टेररिज्म परपिट्रेटेड और कैरीड आउट अगेंस्ट कश्मीर। The recent visit of APHC leaders was a significant development which can be termed as a milestone in the process of resolving the core dispute of Kashmir between Pakistan and India peacefully. We wish both the government to show courage, boldness and flexibility in settling the issue. तो जाहिर सी बात है, इस पूरे स्लाइड का लुबे लुबाब यही है कि जो APHC की मीटिंग हुई थी उसका एजेंडा ये था कि कश्मीरी लीडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, फिर उस हिसाब से आगे की प्लानिंग की जाए। तो वहाँ हमें पता चल गया कि कौन सी ऐसी ऐसे लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो के चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने। लेकिन पाकिस्तान का अपना जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। इट मीन्स हम उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जो कहते हैं हमें आज़ाद स्टेट बनना है, और हम उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जो कि कहते हैं कि हमने पाकिस्तान का हिस्सा बनना है। इसलिए पाकिस्तान ऑलवेज अर्जिस टू हेल्ड अ प्लेबिसाइट देन। और इसका जो रिज़ल्ट था वो यही था कि कोशिश की जाए कि इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस के फोरम पे लाया जाए, और इतना इस इशू को रेज़ किया जाए कि इंडिया भी घुटने टेक दे कि हमने अब मान गए, हमने
अब वहाँ पे प्लेबिसाइट कराना ही कराना है। देन क्या हुआ, पुलवामा अटैक हुआ 14 फेब्रवरी 2019, ठीक है, कश्मीर का एक एरिया है पुलवामा, वहाँ पे इंडिया की पुलिस की कोई 80 बसेस जा रही थी, तो वहाँ पे एक अटैक हुआ था और तकरीबन 40 के करीब उनके पुलिस मैन मारे गए थे। तो उसका भी फिर इल्ज़ाम जो था वो इंडिया ने पाकिस्तान पर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ऑक्यूपाइड कश्मीरी लोग हैं ना, उनको मैं बहादुर कहना या ब्रेव कहना ज़्यादा बेटर समझता हूँ, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम कि वो मज़लूम हैं, जुल्म के नीचे हैं। क्योंकि एक ऐसी स्टेट या उस स्टेट के लोग अगर तो वो हक के लिए खड़े होते हैं तो मैं उनको बहादुर कहूँगा, उनको मज़लूम नहीं कहूँगा। तो ये वाला जो इवेंट था ये एक प्लान्ड इवेंट था, क्योंकि आगे 2019 के इलेक्शंस आने थे और ये बीजेपी पार्टी ने एक प्लान्ड इवेंट कराया था पुलवामा, और बाद में इसके रिजल्ट्स भी आ गए थे। मतलब जो मोदी की गवर्नमेंट है उसने ये वाला अटैक करवाया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ एग्रेशन शुरू कर दी। और एग्रेशन कैसे शुरू की कि 27 फेब 2019 का वाकया आप सबको पता है कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल को उनके त्यारों ने क्रॉस किया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने वो अलहमदिल्ला गिरा दिए दोनों त्यारे। लेकिन उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान का शुरू से स्टांस चलता आ रहा है कि हम पीसफुली इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी इसलिए है सिर्फ कि प्लेबिसाइट होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि कश्मीरी खुद मुख्तार स्टेट बनना चाहते हैं या हमारे पास आना चाहते हैं। अब पाकिस्तान भी अगर फोर्सफुली ये कहना शुरू कर दे कि हमने कश्मीर को अपने ही साथ लगाना है, तो फिर तो इंडिया और कश्मीर में कोई इंडिया और पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। इसलिए पाकिस्तान का स्टांस ये है कि वहाँ पे प्लेबिसाइट, रेफरेंडम या यूनिवर्सल वोट होना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को हक हासिल हो कि वो किस स्टेट के साथ जाना चाहते हैं। देन जब इन्होंने क्रॉस किया लाइन ऑफ कंट्रोल को, उसके बाद हमने इनका पायलट पकड़ा, तो हमने फिर दोबारा पीस के जेस्चर के तौर पे इनको उनका पायलट वापस कर दिया, ठीक है। लेकिन उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने जी बालाकोट पे हमला किया और पता नहीं 300 के करीब उन्होंने बंदे मारे हमारे। हालांकि आप सबको पता है कि टी वाज फैंटास्टिक एंड जो हमारे शहीद हुए थे बालाकोट में वो सिर्फ हमारे दरख्त थे, और उसका भी हमें बहुत ज़्यादा दुख है। तो ये एक इवेंट था। देन उसके बाद जो एक इंसिडेंट हुआ है जो कि ह्यूमन राइट्स के भी अगेंस्ट है और यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के रूल्स हैं उसके भी अगेंस्ट है, आर्टिकल 370, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही का बना हुआ है आर्टिकल 370, जो स्टेट ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर है उनको राइट देता है कि वो अपने लॉज भी खुद बनाए, ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ भी खुद बनाए जो वहाँ के लोग हैं उनकी ही हो। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनका सेपरेट फ्लैग है, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, वो सारी खुद बनाते हैं, ठीक है, इस आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंगली ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। द आर्टिकल अलाउड द स्टेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, उन्हें थोड़ी खुद मुख्तारत देता है, इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका एक अपना आइन है, सेपरेट फ्लैग, एक अपना झंडा है, फ्रीडम टू मेक लॉज, ठीक है, वो अपने कानून खुद बना सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स, वो अपनी जो वजारत दाखिल है उसको भी वो खुद डील करते हैं, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन रिमेन द प्रिजर्व ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एज अ रिजल्ट जम्मू एंड कश्मीर कुड मेक इट्स ऑन रूल्स रिलेटिंग टू परमानेंट रेजिडेंसी, कि वहाँ पे जो उनकी रिहाइश है और जायदादें हैं वो उन्हीं के लोगों को हक हासिल है कि वो वहाँ पे रहें। क्योंकि इन केस अगर बाद में प्लेबिसाइट होता है तो उस स्टेट के अंदर सारे वो लोग ही होने चाहिए जो पहले से रहते आ रहे थे। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड फंडामेंटल राइट्स, इट कुड ऑल्सो बार इंडियन फ्राम आउटसाइड एंड स्टेट फ्राम परचेजिंग प्रॉपर्टी और सेटलिंग देयर। तो फिर क्या हुआ, मोदी हुकूमत ने रिवोक कर दिया, तोड़ दिया आर्टिकल 370 को। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी उसकी चाल थी, एक तो उसके जो आगे इलेक्शंस आने थे 2019 के उसकी कंपेन थी, और दूसरा पर्पज़ ये था कि जब ये आर्टिकल 370 ख़त्म हो जाता है तो इट मींस उस स्टेट के अंदर
जो ऑक्यूपाइड कश्मीर की स्टेट है वहाँ पे ये अपनी कोई 10,000 10 लाख के करीब आर्मी भेज देते हैं और वहाँ पे अलाउ कर देते हैं कि जो हिंदूज़ हैं इंडिया के वो वहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं। अब इसका एजेंडा ये था, पर्पज़ ये था कि वहाँ पे जो हिंदूज़ होंगे वो वहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ खरीद लेंगे, तो इन केस अगर बाद में ये प्लेबिसाइट कराते हैं या यूनिवर्सल वोट या रेफरेंडम कराते हैं तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज होगी, तो इनका जो आर्टिकल रिवोक करने का मकसद था वो ये था। कश्मीर विल नो लॉन्गर हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बट विल हैव टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट लाइक एनी अदर स्टेट। ये रिवोकिंग आर्टिकल 370 की बात हो रही है। ऑल इंडियन लॉज विल बी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू कश्मीरीज एंड पीपल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट विल बी एबल टू बाई प्रॉपर्टी देयर। मैनी कश्मीरीज बिलीव डैट द बीजेपी अल्टीमेटली वॉन्ट्स टू चेंज द डेमोग्राफिक करेक्टर ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी रीजन बाई अलाउिंग नॉ कश्मीर टू बाई लैंड देयर। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है, उनका अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि डेमोग्राफिक जो करेक्टर है कश्मीर का, कि वहाँ पे सिर्फ वो लोग रह रहे हैं जो शुरू से ही रहते आ रहे हैं, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी, उसको वो चेंज करके वहाँ पे हिंदूज़ मेजोरिटी या नॉन मुस्लिम्स की मेजोरिटी वहाँ पे ले हैं। और इनके इस बाद में अगर यूनिवर्सल वोट होता है, रेफरेंडम होता है, तो वहाँ पे मेजोरिटी क्योंकि हिंदूज़ की होगी तो वो ऑटोमेटिकली वोट इंडिया का डालेंगे और वो इंडिया को चला जाएगा हिस्सा। खैर तकरीबन ये 580 डेज तक वहाँ पे कर्फ्यू रहा है, कोई 10 लाख के करीब उन्होंने अपनी फौज भेजी वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट है कश्मीर डिस्प्यूट को लेके। लेकिन अगर हम इस पूरे पूरे लेक्चर को अगर हम देखें तो एंड सिर्फ यही है कि पाकिस्तान का स्टांस ये है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, लोग जो कश्मीर के अंदर रह रहे हैं उनसे उनकी राय ली जाए कि आपने पाकिस्तान के साथ इलाक होना है या फिर इंडिया के साथ इलाक होना है, और जो मेजोरिटी कहेगी वही अथॉरिटी होगी। और जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी कौंसिल है उसका भी यही स्टांस है कि आप आपस में पीसफुल वे में निगोशिएट करें, रेफरेंडम करवाने के लिए हम तैयार हैं, आप दोनों आपस में मान जाएं। लेकिन इंडिया का जो स्टांस है वो यही है कि हमने ये चीज़ छोड़नी ही नहीं है। उन्होंने ज़बरदस्ती इस एरिया को जैसे ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो टेबल टॉक के लिए राज़ी होते ही नहीं है। उल्टा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डर्टी पॉलिटिक्स शुरू कर दी है कि उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक करने जैसी हरकत भी कर डाली है। तो ये ओवरऑल कश्मीर डिस्प्यूट है, जितने भी वाकियात हुए, ठीक है, पाकिस्तान का स्टांस, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का स्टांस, इंडिया का स्टांस, ये सब हमने देख लिया है। आई होप कि जब आप डिटेल में इन चीज़ों को देखेंगे जैसे कि मैंने सीक्वेंस में आप लोगों के साथ डिस्कस की है, तो आई होप आप लोगों का जो एक खाका है पूरा इस डिस्प्यूट को लेके वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ, जो मेरे भाई और बहनें ऑक्यूपाइड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, दे आर ब्रेव। थैंक यू सो मच।